सैटेलाइट्स को तरतीब देने और पोजीशन बरकरार रखने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन खत्म होता है तो सैटेलाइट को ठिकाने लगा दिया जाता है। ये कैसे होता है उसका इन्हिसार उनके मदार पर है। मस्नूई सैयारे जमीन के गिर चक्कर लगाते हैं मुख्तलिफ बुलंदियों पर, यानी कितनी बुलंदी होगी इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि कौन से सैटेलाइट किस काम के लिए तफवीज किया गया है। जमीन के निचले मदार में माहौलियाती सैटेलाइट्स होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स बहुत दूर होते हैं, वो तकरीबन 20 से 24 हज़ार किलोमीटर की बुलंदी पर हमारे सैयारे के गिर्द घूमते हैं। मवासिलात नशरियात और मौसमी मुशाहदे के लिए सैटेलाइट्स दूर दूर तक मदार में हैं। वो खत अस्तवा के ऊपर नामनिहाद जियो स्टेशनरी मदार में हैं। उनका रुख जमीन के उसी एक हिस्से की तरफ होता है जहां उन्हें मालूमात इरसाल करना होती हैं। इन सैटेलाइट्स को उनके खलाई मिशन के बाद एक ऐसे मदार में रवाना कर दिया जाता है जिसे खलाई कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये जियो स्टेशनरी मकाम से तकरीबन 300 किलोमीटर ऊपर वाकई है। ये मदार गुंजान आबाद है। एक बार जब कोई सैटेलाइट खलाई कब्रिस्तान के मदार में पहुंच जाता है तो उनके टैंकों को खाली और बैटरियों को खारिज करना होता है, फिर उन्हें जाया करना होता है, मिसाल के तौर पर ईंधन को आग लगाकर। निचले मदार में मौजूद मस्नूई सैयारों को कंट्रोल तरीके से गिराया जाता है और जमीन की फिजा में ठिकाने लगा दिया जाता है। ये जब कुर्रा हवाई में दाखिल होते हैं तो उनका ज्यादा हिस्सा जल जाता है, जबकि बल्बा समुद्र में गिरा दिया जाता है। शहाबे साकिब या खलाई मलबे की वजह से भी मस्नूई सैयारों को अक्सर नुकसान पहुंचता है। किसी नुकसान या खराबी का शिकार होने वाले सैटेलाइट्स को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। मुहक्किकीन इन्हें रेस्क्यू सैटेलाइट्स के जरिए मदार से बाहर निकालना चाहते हैं। रेस्क्यू सैटेलाइट से तवक्को की जाती है कि वो मुर्दा या इन बेकार सैयारों को किस तरह पकड़े, बेशक जाल से ही। 12 खलाई कचरे को ठिकाने लगाने वाली कंपनियों से तवक्को की जाती है कि वो इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल्ड अंदाज में क्रैश करें। यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA इस तरह का एक डिस्पोजिबल मिशन शुरू कर चुकी है, उसका नाम क्लियर स्पेस 1 है।